टिल नाउ वी हैव लर्न टू मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद अस. द टू मेन डेफिनेशन इज नथिंग बट मोशन एंड रिलेटिव. ओके, रिलेटिविटी. दिस टू डेफिनेशन वी ऑलरेडी लर्न. ओके, नाउ मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव एज यू नो दैट. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस टू मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टूडेज क्लास. द टॉपिक्स इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट, बिफोर नोइंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिटेल, वी नीड टू डू एन स्मॉल एक्टिविटी विथ अस. आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी आई विल जस्ट प्लेस यू वन आंसर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिंग्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दैट आंसर. नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोशन और रिलेटिविटी हमने पढ़ा था. रिलेटिविटी के बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे मोर. ओके, नाउ मोशन का तो डेफिनेशन आपके पास रखा हुआ है, आपके डेफिनेशन के गो थ्रू होना है. उसके बाद आज की हमारी जो मेनली टॉपिक है, आप जैसा कि देख सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लेकर टॉपिक है. तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं. ये तो मैं आपको समझाऊंगा. उसके साथ साथ मैं एक आंसर प्लेस करता हूँ. जैसा ही हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, वो आंसर आप अंडरस्टैंड करके नोट्स लिख के पढ़ लिए तो वो आपके लिए बहुत इनफ होगा ये टॉपिक को समझने के लिए. ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट को लेके कुछ एक एक्टिविटी बेस है हमारे रीडर में, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसका नाम है एक्टिविटी नंबर वन. इन दिस एक्टिविटी नंबर वन, फर्स्ट टेक ए बॉल. नाउ आई एम रीडिंग दिस एक्टिविटी नंबर वन, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन अवर ओन लैंग्वेज. सो एक्टिविटी वन, ड्रॉ पाथ एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसा कि आपको बोला जा रहा कि आपको पाथ, एक रास्ता ड्रॉ करिए और उसमें फ़र्क कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. ओके, टेक ए बॉल एंड थ्रो इट इन टू द एयर विथ सम एंगल टू द हॉरिजेंटल. ऑब्जर्व इट्स पाथ एंड ड्रॉ इट ऑन पेपर. जैसा कि इस एक्टिविटी में आपको बताया जा रहा है कि आपको एक बॉल ले लेना है, लेके अपनी जो अर्थ है उससे हॉरिजेंटल फेंकना है, थ्रो करना है. थ्रो करने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो रास्ता है, ठीक है, वो आपको पेपर पे ड्रॉ करना है. ठीक है, तो जैसा कि अभी तो मेरे पास बॉल तो अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे पास एक, यानी कि हमारे ग्लास वगैरह रखते सो ट्रे अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा एक्टिविटी आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकली. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ट्रे है. अब यहाँ से मैं इसको, ये हमारा बोर्ड है, सपोज़ ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल पूरी अर्थ है, जैसा कि आप ये लाइन देख सकते हैं. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं कुछ हाइट पे हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हाइट पे हूँ मैं. तो ये हाइट से मैं इसको फेंक रहा हूँ. प्लीज़ ऑब्जर्व दिस, मेक श्योर यू नीड टू ऑब्जर्व. आप इसको ऑब्जर्व कीजिए. अब ये है, मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंकना चाह रहा हूँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मैं फेंकना पसंद कर रहा हूँ. आई लाइक टू थ्रो इट विथ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. सो हाउ इट विल फॉल वी नीड टू ऑब्जर्व. लुक एट हियर, आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस, यू कैन सी, लुक एट द बोर्ड. एज यू सॉ दैट हाउ आई थ्रो इट, मैंने कैसा फेंका आपने देखा था. फिगर 5 शोज द पाथ टेकन बाई द बॉल when it was thrown into the air. Distance is the length of the path traveled by an object in a given time interval, and displacement is the shorter distance covered by the object in a specific direction. तो देखिए यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा draw कर लेता हूँ. जैसा ही मैंने उसको throw किया था तो वो इस तरीके से actually जा रहा, ठीक है, ऐसा जाके ऐसा कुछ इस तरीके से गिरेगा वो. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक और एक vertical line draw कर लेता हूँ, जैसा कि ये पॉइंट हमारा था. नाउ हम इसको 3 पॉइंटों का नाम दे देंगे. ये ए है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये आपका एस है, समझिए, जो आपको यानी कि ये वी है, नॉट एस एग्जैक्टली, और ये है एस. ठीक है, ए भी तो पॉइंट है, एस और वी क्या है मैं अभी समझा देता हूँ आपको. ऑब्जर्व द डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एस एंड द डिस्प्लेसमेंट ए बी फ्रॉम द फिगर. देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो हमारा पॉइंट है, ए से लेके द, ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस दैट इज एस एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिगर. फिगर से आपको मालूम करना है, ठीक है, एक तो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मैं सिंपल बात कर दूँ तो ये ए भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा. ए बी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, और हमारा ए से लेके जो एस तक जा रहा है, मतलब ऊपर की साइड चले जा रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ इस तरीके से, तो यूजुअली डिस्टेंस कहलाएगा.
या फिर जो एस का जो रास्ता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर टू डिस्क्राइब अ फिजिकल सिचुएशन। सम क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। नाउ अभी जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ये इसके टॉपिक में दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमको मिलेंगे। वो टॉपिक्स का नाम क्या है, एक है वेक्टर एज यू कैन सी एंड एक रहेगा हमारे पास स्केलर। ये भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रहते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर। दैट मीन्स हमारे पास मैग्नीट्यूड कहते हैं वैल्यू को, वैल्यू भी रहना उसका परफेक्ट डायरेक्शन भी रहना, वो हो गया हमारा वेक्टर। दैट मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बोथ थिंग्स वी नीड टू रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड एज लाइक वेक्टर। एंड द थिंग विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इसमें क्या रहेगा आपको मैग्नीट्यूड रहेंगी बट नॉट, उसको हम कहेंगे आपको स्केलर। ओके तो ये वेक्टर और स्केलर समझ गया। और यहाँ पे आपको वेक्टर स्केलर इसलिए बताया जा रहा, यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर कहलाएगी। सॉरी ए भी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके वेर एस एस आपको स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो वेक्टर और स्केलर इस तरीके से बताया जाए। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, इट्स लेंथ इंडिकेट मैग्नीट्यूड एंड एरो इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन। पॉइंट ए इज कॉल्ड टेल एंड द पॉइंट बी इज कॉल्ड हेड। एज यू आई एम ड्राइंग वन डायग्राम, यू कैन सी हियर। ओके दिस इज वन डायग्राम, दिस इज वन लाइन। ओके एंड आई एम जस्ट मार्किंग वन एरो हियर। सो आफ्टर मार्किंग द एरो आई एम मेकिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो दिस टाइप वेक्टर इज रिप्रेजेंट, दैट इज इन दिस टाइप वेक्टर रिप्रेजेंट, वेक्टर इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा। वेयर ए आपका जो रहता है उसकी टेल रहती है और बी उसका जो रहता है वो हेड रहता है। जैसा कि अगर मैं आपको बोला यस स्टूडेंट राइट ए वेक्टर, दैट मीन्स यू नीड टू राइट लाइक दिस ए देन लाइक दिस। देन मैं बोला स्टूडेंट नाउ राइट बी वेक्टर, यू नीड टू राइट बी हियर वेक्टर लाइक दिस। मैं बोला स्टूडेंट चलिए सी वेक्टर, यू नीड टू राइट सी लाइक दिस आफ्टर दिस वेक्टर। सो होप यू अंडरस्टूड वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। इन द अबव एग्जाम्पल ए एस बी शोज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट एंड ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा कवर हुआ था ए एस बी, ठीक है ये हमारा जो अबव डाइग्राम है इसके अंदर जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ ए एस बी, ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। वेयर एज ए बी क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ए बी में क्या है, जब आप ऐसा लाइन मार रहे हैं तो इसका एक एरो है, यानी कि इसके पास आप इसका ने वैल्यू तो है प्लस डायरेक्शन भी है। यहाँ पे डिस्टेंस में आपके पास ओनली वैल्यू है डायरेक्शन नहीं है। कैसा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने सेकेंड में जा रहा और उसका डायरेक्शन क्या रह रहा। सेकेंड्स तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, सपोज टू सेकेंड्स के अंदर फॉल हो रहा हो तो टू सेकेंड्स अप्लाई होंगे डिस्टेंस के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, डायरेक्शन आपको सिर्फ दैट इज डिस्प्लेसमेंट में ही मालूम हो रहा, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कहेंगे और डिस्टेंस को स्केलर कहेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट है विच इज वेक्टर क्वांटिटी, ए एस बी है आपका डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी। ओके नाउ वी आर होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर स्केलर। आई विल जस्ट टेल यू वंस अगेन। ओके नाउ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अभी आप देखिए ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इसके कुछ यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स में हमारे पास एसआई यूनिट्स इसके रहेंगे ऑलवेज मीटर। ओके और इसके अलावा आपको तो मालूम है इसके साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेनी यूनिट्स रहते हैं। मीटर के साथ साथ आपको किलोमीटर्स रहेगा, माइल्स रहेगा, सेंटीमीटर्स रहेगा, मिलीमीटर। दिस इज एन नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं आपका एसआई यूनिट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों ही का मीटर है।
Okay, next topic, we will just move to the next topic. So students, shortcutly I will tell you four definition related to the distance, displacement, scalar and vector. So displacement is nothing but the shortest distance covered by an object is called displacement. यानी displacement उसको कहते हैं जो object shorter distance cover कर रहा. Distance, distance is an actual, that is distance कवर बाई एन ऑब्जेक्ट. यानी कि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट है वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर. वेक्टर उसे कहते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, वो वेक्टर है. स्केलर, स्केलर की बात करें तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर. यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसे हम स्केलर कहते हैं. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मार्किंग एन स्ट्रेट लाइन विथ एरो. दैट मीन्स वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको मार्क करके एक एरो डालने के, वेयर द एरो शोज द हेड ऑफ द वेक्टर. एरो क्या शो करेगा, हेड शो करेगा. वेयर एज द लास्ट पार्ट ऑफ द एरो शोज, दैट इज इट शोज लाइक टेल ऑफ द वेक्टर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर, स्केलर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी विल गोइंग टू डू वन मोर एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. होप टिल हियर यू अंडरस्टूड. एंड स्टूडेंट डोंट वरी, आई विल गोइंग टू गिव यू नोट्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, यस स्टूडेंट, एक्टिविटी नंबर टू, ड्रॉइंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. As you can see two diagrams in front of you, like A and B here, just we mark a line, one horizontal line and one vertical line. Here we mark as A, here we mark as B. Now here I will draw an unusual like a curve diagram where we mark as point A and point B. जैसा कि student आप देख सकते हैं, हमने दो diagram आपके सामने रखे हैं. एक है A और B, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हमने मार्क किया था, और एक डायग्राम थोड़ा सा कर्व और रफली हम ड्रॉ करके पॉइंट ए पॉइंट बी दे दिया गया. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम इन डिटेल. अ कार मूविंग अलोंग डिफरेंट पाथ एज शोन इन द फिगर लाइक 6A एंड 6B, द पॉइंट ए एंड बी आर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द कार. सपोज मैं ये डायग्राम का नाम दे देता हूँ, एक का नाम दे दूंगा 6A और एक को बोलूंगा 6B. ओके, यहाँ पे जो मैंने मार्क ए और बी किया था, हियर कार जो है वो मूव हो रही जैसा मैं मार्क कर रहा हूँ. यानी कि कार आपको ए से लेके बी तक मूव हो रही हियर, एंड हियर आल्सो कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ओके, सो एज यू कैन सी दैट टू आर दी सेम सिचुएशन शोइंग हियर. जनरली द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट आर टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज. जैसा कि आपका डिस्टेंस जो कवर होता और डिस्प्लेसमेंट जो होता, ये दोनों ही टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रहते. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एक चीज अपनाएंगे, वो चीज क्या रहेंगी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आई विल जस्ट राइट हियर. फॉर दिस वी विल गोइंग टू डू वन थिंग, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी वी आर जस्ट डूइंग विद दिस. नाउ स्टूडेंट, हियर आल्सो वी नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. हमको यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है. मगर फर्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो चीज़ों को समझेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद इन दोनों के बारे में जानेंगे. ओके स्टूडेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को जानने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ. जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक ऐसी लाइन है, यानी कि इररेगुलर लाइन है. एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, द डायग्राम इज लाइक अ इररेगुलर लाइन. हियर आई एम प्लेसिंग थ्री नेम्स, द नेम्स इज हैदराबाद, खाजीपेट एंड कागज. सो नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, अ ट्रेन नेम ऑफ तेलंगाना एक्सप्रेस स्टार्ट एट 2 PM. सपोज एक ट्रेन है जिसका नाम, सपोज इधर हम नाम ले लेंगे, ओके, तेलंगाना एक्सप्रेस नाम ले लेंगे वो ट्रेन का. लेट इट बी हैव विच ट्रेन स्टार्ट एट 2 PM. सपोज ये क्या होगी, 2 PM को स्टार्ट हो चुकी है, 2 o'clock को. तो आफ्टर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम श्रीपुर कागज नगर, दैट इज ये कागज से स्टार्ट हो रही है, एंड रीचिंग हैदराबाद एट 8 PM. और हैदराबाद में कब रीच हो रही है, वो 8 PM को रीच हो रही है. नाउ द सेम डे एज शोन इन द फिगर, और वो सेम डे के ऊपर, यानी कि 2 बजे दोपहर में स्टार्ट हो रही, 8 o'clock को कागज से
काजीपेट, देन काजीपेट से हैदराबाद को रीच हो रही है। आगे ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दी कागज टू काजीपेट, देन काजीपेट टू हैदराबाद एंड फ्रॉम काजीपेट टू हैदराबाद। दैट मीन्स वी नीड टू ड्रॉ वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, फ्रॉम लाइक काजीपेट, कागज टू काजीपेट, हम यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उतारेंगे, फिर फ्रॉम काजीपेट टू हैदराबाद, ओके, फ्रॉम हैदराबाद टू डायरेक्ट कागज, वी विल गोइंग टू ड्रॉ दिस थ्री थिंग्स। नाउ यू नीड टू सपोज वन थिंग, लेट द डिस्टेंस ऑफ द इंटायर ट्रिप फ्रॉम कागज टू हैदराबाद 300 किलोमीटर। देखिए यहाँ कागज से लेके हैदराबाद तक इसका जो एवरेज डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स है, सपोज करिए आफ्टर सपोजिंग दिस, ओके, द जर्नी टाइम इज 6 आवर्स। एज यू कैन सी दैट द जर्नी टाइम क्या हो रहा है, 2 o'clock से 8 o'clock तक टोटल कितने 6 आवर्स कवर हो रही, ओके, जर्नी टाइम। नाउ द जर्नी इज 6 आवर, वॉट इज द डिस्टेंस कवर बाई द ट्रेन इन ईच आवर इज इक्वल टू दी 300 किलोमीटर्स बाई 6। जैसा कि आप जानते हो कि एक घंटे में ने कैसा सफ़र कर रही ट्रेन, इसके लिए हमको 300 बाई 6, दैट इज 6 आवर्स, बट दिस इज लाइक किलोमीटर पर आवर, यूज एज यू कैन सी ये किलोमीटर पर आवर से, दैट मीन्स आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 50, दैट मीन्स एवरेज 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हम आपको ट्रेन आ रही। तो इसी को हम क्या, कैन यू से दैट द ट्रेन हैव कवर एग्जैक्टली 60 किलोमीटर्स इन ईच आवर, दैट मीन्स अगर आप ये ले लिए, लाइक हम देख रहे हैं कि 6 5 50, ओके, नाउ ये 50 किलोमीटर्स पर आवर एक घंटे में आ रहा। सो अब आप क्या बोल सकते हैं, क्या ट्रेन हर एक घंटे में आपको यानी कि 60 किलोमीटर का एवरेज वो करी थी क्या? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, बिकॉज देर में भी सम वेरियंस इन डिस्टेंस कवर बाई द ट्रेन ईच आवर, दैट मीन्स यहाँ पे आप एग्जैक्टली नॉट 60, हियर 50 वी गॉट। तो सवाल मैं आपसे ये बोलूँगा, कैन यू से दैट द ट्रेन हैज़ कवर एग्जैक्टली 50 किलोमीटर्स इन ईच आवर, दैट मीन्स ईच आवर्स में 50 किलोमीटर ही तय करी ट्रेन बोल के आप बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। वाई नो मीन्स बिकॉज उसकी जो ट्रेन की स्पीड है एक घंटा आपको बहुत तेज चलाएगा वो, फिर अगले घंटे में स्टेशन आने की वजह से नॉट ओनली उसकी स्पीड कम होगी बल्कि उसको स्टेशन पे एक 5 मिनट्स का स्टे या फिर 2 मिनट का स्टे रहेगा। तो उसी की वजह से हम क्या बोलेंगे कि हर एक घंटे में उन्हें 50 किलोमीटर्स ही जा रही थी बल्कि नहीं बोल सकते, ये क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे हमारे फिजिक्स में, लाइक एवरेज स्पीड नाम देंगे उसका इस नाम क्या देंगे, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का हम फार्मूला बनाएंगे टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, ओके। सो स्टूडेंट यू कैन सी ऑन बोर्ड द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, ओके। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रिप इन द अबव एग्जाम्पल इज 120 किलोमीटर्स ड्यू टू साउथ वेस्ट, वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इन ईच आवर, द डिस्प्लेसमेंट पर आवर विल बी, जैसा कि अब आप हम बोले के ये जो डिस्टेंस इसका 300 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली डिस्टेंस, बट डिस्टेंस इज एज यू कैन सी दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम हैदराबाद टू काजीपेट, काजीपेट टू लाइक दिस, लाइक आई जस्ट सपोजिंग लाइक दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई एम ड्राइंग फ्रॉम हियर टू डायरेक्टली हियर, दैट मीन्स आई एम ड्राइंग टू वेक्टर्स रादर देन जस्ट मूविंग द ट्रेन हियर एंड देर, जस्ट आई एम लाइक एंड लेट द डिस्प्लेसमेंट बिकम, द डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट बिकम से 120 किलोमीटर्स। सो वॉट इज द एवरेज डिस्प्लेसमेंट, येस यू आर करेक्ट, एवरेज लाइक डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 120 बाई टाइम इज हाउ मेनी टाइम्स इट टेकन, लाइक 6 आवर इट टेक्स, ओके, सो 120 बाई 6 एज यू कैन से 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो फॉर एवरेज वेलोसिटी वी विल हैव वन फार्मूला, लाइक यू कैन सी हियर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, दैट मीन्स दिस इज अ फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। सो वी हैव टू फार्मूलेस आफ्टर दिस एक्टिविटी, स्टूडेंट नीड नॉट टू थ्रो विद द कंप्लीट एक्टिविटी, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर टू फार्मूलेस हियर इन एक्टिविटी नंबर 2, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन and average velocity is equals to total distance by time taken, okay. Now here one thing you need to remember student, what thing, as we know that distance, what is distance, which type of quantity is it,
डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है? जी हाँ, डिस्टेंस हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास स्पीड क्या होगा? फिर स्केलर क्वांटिटी होगा ऑटोमेटिकली। वैसे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट हमारे पास ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिकली वेक्टर भी क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कैन यू मेजर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी? दैट मीन्स दो सवाल यहाँ पे आपको खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि आप एवरेज स्पीड मेजर कर सकते हैं क्या और एवरेज वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये रेज हो रहा है यहाँ पे कि आप वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंशिएट कैसा करेंगे? एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी में आप डिस्टेंस कैसा वो कर सकते हैं? इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर इन एक्टिविटी नंबर टू, यू नीड टू रिमेंबर मेन द थीम ऑफ द एक्टिविटीज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एंड सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर लाइक वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लाइक स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। दिस टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर।